नमः संस्कृताय सर्वेषां विद्यार्थीनां गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे स्वागतम अभिनंदनं च। हम गोदोहनम नवमी कक्षा का जो तृतीय पाठ है उसकी चर्चा कर रहे थे और उनमें प्रश्नोत्तर कर रहे थे। हमने इस पाठ की जो नाटिका थी एकांकी को पढ़ा था और उनके प्रश्नों को भी हमने हल किया था। कुछ जो प्रश्न बाकी रह गए थे अपने में उनकी चर्चा आप सबके सामने करना चाहूँगा। चौथा प्रश्न है आपका कि मंजूषाया सहायतया भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयत। क्या कहा? इन मंजूषा की सहायता से, ये जो मंजूषा बना रखा है, बॉक्स बना रखा है, इसमें जो पद दे रखे हैं इन पदों की सहायता से ये जो भावार्थ दिया है, नीचे भाव लिखा है, इस भावार्थ में रिक्त स्थानों का आपको क्या करना है, पूर्ति करनी है, रिक्त स्थानों को भरना है। मैं ये जो नीचे लिख रखा है इसको मैं गद्य के रूप में पढ़ रहा हूँ। इसमें जो पद उचित हैं उस पद का आपको प्रयोग करना है। इसमें मैंने लिखा जैसे यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति, यदा चंदन पत्न्या, जब कहते हैं जो चंदन की पत्नी हैं वो काशी विश्वनाथम प्रति विषय, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वो वहाँ पर किसके लिए विषय किसका था, वो था धर्म यात्रा। तो एक पर आ जाएगा आपका धर्म यात्रा, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, एक पर क्या आ जाएगा आपका धर्म यात्रा, अर्थात धर्म यात्रा के विषय में जानता है तदा स क्रोधितो ने भवती। क्या कहा? जब चंदन अपनी पत्नी का विश्वनाथ काशीनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ जो मंदिर हैं उसके विषय में जो वहाँ पर धर्म यात्रा के लिए जाती हैं, तीर्थ यात्रा के लिए जाती हैं, और ये जब जान लेता है तब वो अपनी पत्नी पर क्रोध नहीं करता है। आगे कहते हैं यत तस्या पत्नी तम, और उसकी पत्नी उसको क्या कहकर जाती है, उसको कह कह जाती है गृह व्यवस्था, यही घर की व्यवस्था के लिए कह करके सखी भी से भ्रमणाय गच्छति, और अपनी सखियों के साथ में चली जाती है। अपि तु तस्याः यात्रायाः कृते, लेकिन फिर भी जो चंदन है वो अपनी पत्नी की यात्रा के लिए क्या करता है, मंगल कामना करता है। मंगल कामना कुर्वन कथयति यत तव मार्गा शिवाहा, तुम्हारे मार्ग हैं वो कैसे हो, कल्याणकारी। शिवा का मतलब भी कल्याणकारी, अर्थात कल्याण इसका मतलब होता है कल्याणकारिणः, कल्याणकारिणः भवन्तु, तुम्हारे मार्ग कैसे हो, कल्याणकारी हो। मार्गे कदाचित अपि बाधाः तव कृते समस्या समस्याम न उत्पद्येत, अर्थात मार्ग के अंदर तुम्हारे लिए कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं हो। एतेन सिद्धयति यत चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः समर्थकः आसीत, ये इसके लिए क्या है, नारी स्वतंत्रता के लिए ये जो चंदन है वो इनका समर्थन करता है। अब अपन देखो, ये अपन ने पाठ पढ़ा था एकांकी नाटिका के रूप में। इस पाठ में अपन ने क्या सीखा, अगर अपन सामाजिक परिवेश को देखते हैं तो हमेशा जो पति हैं पुरुष हैं उसको हमेशा महिला का सम्मान करना चाहिए, उनकी क्या आवश्यकता है उनको भी उनको समझना चाहिए, हमेशा उनका समर्थन भी करना चाहिए। तो ये भी अपने को इस पाठ में जानने को मिला। तो देखो यहाँ पर चंदन था वो क्रोध भी नहीं हुआ, अगर पत्नी ने कहा मुझे काशी विश्वनाथ मंदिर जाना है, लेकिन फिर भी इसने क्या किया, उनके जाने के लिए जो मंगल कामना है, मंगल कामना की आपका जो रास्ता है वो मंगलमय, आपकी यात्रा मंगलमय हो, इस प्रकार। अब आगे देखो, आप अगला प्रश्न है आपका घटना कर्म अनुसारम लिखते। अपन ने इस नाटिका के अंदर घटना कर्म मतलब जो भी कहानी पढ़ी थी, तो इस कहानी इस यहाँ पर जो इन्होंने लाइनें लिखी हैं वो कभी आगे की लिखी है कभी पीछे की लिखी है, लेकिन आपको क्या करना है, कर्मानुसार इन सबको व्यवस्थित करना है। तो करो व्यवस्थित, देखो सबका मैं एक एक बार अर्थ बता देता हूँ जिससे आप इन सबका अर्थ कर पाओगे। क्या कहा इसने, सा सखी भी सह
तीर्थयात्रा ही काशीनाथ विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। वो सखियों के साथ में तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर जाती हैं। दूसरा है उभौ नंदिन्याः सर्ववित परिचर्यां कुरुते। वो दोनों नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति। उमा है वो मासान्ते महीने के अंत में उत्सव हैं, उसके लिए दुग्ध की आवश्यकता है, इसके विषय में चंदन को सूचित करती हैं। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। मल्लिका हैं वो मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। कहते हैं जब उत्सव दिन आता है और उस दिन दुग्ध को धोने का टाइम आता है, तब ये जब जैसे ही दुग्ध धोने का प्रयास करता है तब ये नंदिनी अपने पैर से प्रहार करती है, आक्रमण करती है। कार्याणि समये कार्य करणीयानि इति चंदनः नंदिन्या पाद प्रारेण अवगच्छति। कार्य समय पर ही करना चाहिए, इस प्रकार चंदन है वो नंदिनियों के प्रहार से समझ जाता है। चंदन है उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम, क्या कर रहा है, मास पर्यंतम दोहनम न करो। चंदन है जो उत्सव के लिए एक महीने के लिए दूध को नहीं दोहता है। चंदन की जो पत्नी है वो तीर्थ यात्रा से वापस आती है। आपने ये देखा इसमें ये जो लाइनें हैं वो कर्म के अनुसार नहीं है, तो आपको इनको क्या करना है, कर्मानुसार करना है। कैसे करोगे आप देखो, सबसे पहले इसमें से आपने लाइन देखी कौन सी, सबसे पहले जो मल्लिका है, मल्लिका पूजा के लिए क्या बनाती हैं, मोदक अर्थात लड्डू का निर्माण करती हैं, और फिर वो अपनी सखियों के साथ में कहाँ जाती हैं, तीर्थ यात्रा पर जाती है। तो दो पर कौन सी लाइन आएगी आपकी, कि वह अपनी सखियों के साथ में तीर्थ यात्रा पर जाती हैं। उसके बाद में क्या है, वहाँ पर उमा आती है उत्सव के लिए, कहती है हमको क्या चाहिए, हमको दूध चाहिए, कितना लीटर, 30 लीटर। तो उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकताया विषये चंदनम सूचयति। अगला ये जो 1, 2, 3 हो गए, अगला आपका हो जाएगा ये वाला 4 नंबर क्या। अब जैसे ही वो दूध के लिए कहती है और चंदन क्या करता है, जब तक उत्सव नहीं आता तब तक वो कहता है मैं दूध को नहीं दोहन करूँगा, गाय से दूध का दोहन नहीं करता, वो करता ही नहीं है। फिर उसके बाद में आता है कौन सी लाइन आएगी, ये वाली, इसकी पत्नी है जब वो यात्रा से वापस आ जाती है, उसकी पत्नी यात्रा से वापस आ जाती है और दोनों ही क्या करते हैं, नंदिनी की सेवा करते हैं। तो खै है ये हो जाएगा 6 नंबर पर, 6 नंबर पर क्या हो जाएगा, खै। और 7 नंबर पर हो जाएगा ये वाला, उत्सव दिन है यदा दोग्धम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति। तो फिर वो उत्सव के दिन दुग्ध दुहने का प्रयास करता है, तब नंदिनी है जो पैर से उन पर प्रहार करती हैं। अब बचा कौन सा, एक ये 6 हैं, ये बचा है, ये आ जाएगा आपका 8 पर। क्या है इसका अर्थ, कार्याणि जब अपन समय पर ही करना चाहिए, कार्य हमको हमेशा समय पर ही करना चाहिए, ये बात चंदन उस नंदिनी के पैर के प्रहार से समझ जाता है, क्योंकि उसको पीड़ा होती है महीने भर गाय उस गाय से दुग्ध का दोहन किया नहीं, तो गाय को भी पीड़ा होती है, इसलिए वो समझ गया है हमेशा जो कार्य होता है उसको समय पर ही कर लेना चाहिए। अगला है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत। यहाँ पर कौन वाक्य किसको कहता है, कौन वाक्य किसको कहता है, यहाँ पर जो पद दिए हैं उन प्रदत्त जो स्थान है देने के लिए उन स्थानों में अपने को भरना है। तो देखो आप सबसे पहले हैं कि स्वामी ने प्रत्यागता अहम, स्वामी मैं वापस आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, तुम प्रसाद हैं इसको खाओ। ये कौन कहती है, ये मल्लिका कहती है, किसको कहती है, चंदनम प्रति। दूसरा है धन्यवाद है मातुले याम्य अहम यामी अधूना, ये मामा जी आपको धन्यवाद, अब मैं जा रही हूँ। आपको पता है ये किसने कहा था, ये उमा ने कहा था, किसने कहा था, उमा ने कहा था, और किसके प्रति कहा था, ये भी चंदन के प्रति कहा था, तो चंदनम प्रति। दूसरा देखो,
त्रिशतकम मितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। 30 लीटर दूध की अच्छी प्रकार से व्यवस्था हो जाएगी। ये किसने कहा था? ये आपको पता होगा, ये कहा था चंदन ने। किसने कहा था? चंदन ने कहा था। और किसके प्रति कहा था पता है आपको? उमा के प्रति। उमा को कहा था, तो उमाम प्रति। क्या लिखोगे आप? उमाम प्रति। अगला है मूल्यम तु दुग्धम विक्रियेव दातुं शक्यते। इस ये मूल्य, किसका मूल्य? घड़े का मूल्य के लिए कह रहे हैं। इस घड़े का जो मूल्य है वो मैं दूध बेचने के बाद ही दे सकता हूँ। ये किसने कहा था आपको पता है? ये भी चंदन ने कहा था। किसने कहा था? चंदन ने। किसको कहा था पता? वो कुंभकार था, और कुंभकार का नाम क्या था? देवेश था। तो आप लिखोगे देवेशम प्रति। अगला है कि पुत्री के ना अहम पाप कर्मम करोमि। पुत्री, ये मैं पाप कर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पर पता है किसने कहा था? वो कुंभकार था ना, क्या नाम था अभी लिखा मैंने? देवेश था। तो देवेश ने कहा है, और किसको कहा है? ये मल्लिका के प्रति कहा है। तब आ जाएगा मल्लिकाम प्रति। किसको कहा था? मल्लिका को कहा था। अगला है देवी मया अपि ज्ञातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम। मया अपि ज्ञातम अस्माभिः, मेरे हे देवी, मेरे द्वारा ये जान करके मैंने सर्वथा ही ये अनुचित कार्य किया। ये सबसे लास्ट में आपको पता है तो चंदन कहता है। कौन कहता है? चंदन कहता है। किसको कहता है? अपनी पत्नी। पत्नी का नाम क्या है? मल्लिका। तो आ जाएगा मल्लिकाम प्रति। अब आगे बढ़ो। पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानाम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुते। इसमें आपको कहीं पर संधि किया है तो संधि विच्छेद करना है, और विच्छेद किया है तो आपको संधि करके लिखना है। देखो आप, पहला है शिवास्ते। शिवास्ते कैसे बनता है? देखो इसमें पद है शिवाहा धन शिव। देखो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, शिवाहा धन ते। शिवाहा, शिवाहा का मतलब होता है कल्याण, और ते मतलब वह। वह क्या? वह रास्ते तुम्हारे लिए क्या हो? कल्याणकारी हो। तो आपको देखो शिव के आगे दो विसर्ग दिख रही है, जो दो बिंदु दिख रही है, क्या विसर्ग हैं? तो यहाँ पर विसर्ग दिख रहा है, तो सीधी सी बात है संधि कौन सी? इसमें विसर्ग संधि है। हमेशा ये जो संधि, विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग होता है ना, इस विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। क्या आदेश होता है? से आदेश होता है विसर्जनीयस्य। अच्छा, एक सूत्र है, उस सूत्र से विसर्ग के स्थान पर से होता है, और से जब होगा तब आपका रूप बन जाएगा क्या? शिवास्ते। आगे बढ़ो। मन है हर है, यहाँ पर देखो मन है हर में के क्या बनेगा? एक तो जो मन है का जो विसर्ग आपको ये दिख रहा है, इसको आप जब विसर्ग के स्थान पर अपन करते हैं से, से को ऊ को विगुण हो जाता है ओ, और आपका रूप बन जाएगा मनोहरा। रूप क्या बनता है? मनोहरा। अगला है सप्तांत। ये तो सरल है, आपको दिख ही रही। इसमें देखो सप्ताह है, एक दो शब्द क्या है? सप्ताह है, और इसमें दीर्घ संधि करते हैं, अंते को मिलाते हैं तो बनता था है सप्ताहांत। यहाँ पर अ और अ, ये दोनों वर्ण मिलकर के क्या बना? आ बना। तो इसमें संधि भी कौन सी होगी आपकी? दीर्घ संधि हो गई। अगला है नेच्छामि। यहाँ पर है एक तो न और आगे हैं इच्छामि, न धन इच्छामि, इच्छा नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर न में मिला है अ, अ में आगे है ई, अ के बाद हमेशा ई आता है, तो गुण संधि में क्या होता है? ए होता है। जब अपन गुण संधि पढ़ते हैं तो एक सूत्र आता है वहाँ पर आद गुण। आद गुण सूत्र क्या कहता है? अ या आ के बाद ई आए तो ए होता है, ऊ आता है तो ओ होता है। तो यहाँ पर ई आया तो गुण क्या होगा? ये ए हो जाएगा। आगे बढ़ो। अत्युत्तम, यहाँ पर इसमें क्या होगा? अति धन उत्तम है, अति धन उत्तम है। यहाँ पर भी विशेष ध्यान रखना, त में मिला है ई, आगे है ऊ, हमेशा एक संधि आती है जिसका नाम है यण संधि। यण संधि का एक सूत्र आता है इको यणाची, वो क्या कहता है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है, स्वर अगर पर में हो तो। स्वर भी कैसे? असमान स्वर हो तो।
इक का मतलब होता है ई उ री ली, इनके स्थान पर आदेश होगा यण मतलब य व र ल, अर्थात ई होगी तो ई के स्थान पर होगा य, उ होगा तो उ के स्थान पर होगा व, री होगा तो री के स्थान पर र, और ली होगा तो ली के स्थान पर, इस प्रकार आदेश होते। लेकिन अपने पास क्या है, ई है तो ई के स्थान पर आदेश क्या होगा, ये आदेश होगा, क्या होगा, ये आदेश होगा। तब आपका रूप किस किस प्रकार बन जाएगा, इस ऐसे बनेगा तय में से ई को बाहर निकाला और आगे है आपका उत्तम। अब ई के स्थान पर आपने क्या किया, ये किया, अब इसको मिलाओ अ तय आधा, आगे हैं ये में ऊ मिला तो यू, और आगे हैं त और मिला तो अत्युत्तम, क्या बना, अत्युत्तम। अब थोड़ा और समझो आप इसे। अगला है पाठा आधारेण अधोलिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत, कि यहाँ पर कुछ पद दे रखे हैं, उनमें से आपको एक तो प्रकृति और प्रत्यय, प्रकृति और प्रत्यय का मतलब होता है जिससे प्रत्यय लगता है उसको प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति के बाद में जिसका प्रयोग किया जाता है वो हमेशा प्रत्यय कहलाता है। तो जहाँ पर अलग अलग किया है तब तो आपको जोड़कर लिखना है, और कहीं जोड़कर लिखा हुआ है तो आपको अलग अलग लिखना है। तो यहाँ पर करणीय लिखा है तो इसमें क्री धातु है, कौन सी धातु है, क्री धातु, और आपका प्रत्यय कौन सा हुआ इसमें, अनियर प्रत्यय है ना, अनि करना चाहिए, चाहिए अर्थ में अनियर प्रत्यय होता है। गम से अनियर करते हैं तो गमनियम बनता है, खाद से अनियर करते हैं तो खाद नियम बनता है, चल से अनियर करते हैं तो चल नियम बनता है ना। इस प्रकार अपन खूब सारे पदों का निर्माण कर सकते हैं। अगला है वी क्री और ल्यप। अब देखो आप वी उपसर्ग लगा है और क्री उपसर्ग, यहाँ पर क्री धातु है और आपका रूप बन जाएगा विकीरिय मतलब करके, पद क्या बन जाएगा विकीरिय। अगला है पठितम, पठितम में कौन सा धातु है, इसमें पट धातु है, कौन सी धातु है, पट धातु, और भूतकाल अर्थ में एक प्रत्यय होता है जिसका नाम है कत प्रत्यय, पट धातु से कत प्रत्यय करते हैं तो पठित, इस प्रकार आपने शब्द बनते हैं। गम से करते हैं तो गत, इस प्रकार पद बनते हैं। अगला है ताड़िय धन कत्वा, तो अपना रूप क्या बन जाएगा, ताड़यत्वा, क्या बन जाएगा, ताड़यत्वा, ताड़ ये हो जाएगा यत्वा, ताड़ यत्वा शब्द अपना बन जाएगा। अगला पद है अपना दोग्धुम, क्या है दोग धूम, इसमें देखो दोग धूम में धातु कौन सी है, दू है धातु है, कौन सी धातु है, दू है धातु, लेकिन दोग धूम अर्थात दूहने के लिए, के लिए अर्थ में हमेशा कौन सा प्रत्यय होता है, तुमून प्रत्यय होता है, कौन सा प्रत्यय होता है, तुमून प्रत्यय, तो दोग धूम दन तुमून करते हैं, दू है दन तुमून करेंगे तब अपना पद बनेगा दोग धूम, दोग धूम मतलब दूहने के लिए। अब आपका ये जो पाठ है यह पूर्ण हो गया।